हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। आज हम पढ़ने वाले हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में जो 2021 के अंदर लॉन्च हुई थी। आप सबको पता है फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो एवरी आफ्टर टू इयर्स पब्लिश होती है, मतलब हर दो साल के बाद। जैसे जो इकोनॉमिक कैलकुलेशंस होती है, इकोनॉमिक जो रिपोर्ट होती है, जैसे इन्फ्लेशन है, जीडीपी है, ये सब एक साल के बाद पब्लिश होती है। फॉरेस्ट रिपोर्ट दो साल के बाद पब्लिश होती है। लाइफ स्टॉक सेंसस है, ये 5 साल के बाद पब्लिश होता है। और जो पॉपुलेशन सेंस है, ये 10 साल के बाद पब्लिश होता है। तो प्रीवियस रिपोर्ट जो थी वो 2019 के अंदर थी, नेक्स्ट रिपोर्ट 21 के अंदर आई, अपकमिंग 23 के अंदर आएगी, मतलब आपके एग्जाम के लिए 2021 में से क्वेश्चन आ सकता है। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की बात करने से पहले हमें फॉरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट किसे बोलते हैं। बिकॉज एक ऐसा प्लेस जहां पे पेड़ पौधे होते हैं वो अगर फॉरेस्ट है तो फिर तो हम सब लोग ही जंगलों में रहते हैं, बिकॉज हमारे आसपास भी बहुत सारे पेड़ पौधे हमें दिखते हैं। तो फॉरेस्ट किसे कहा जाता है? फॉरेस्ट, जैसा कि आप पीछे फोटो में देख सकते हैं कि आप इसे फॉरेस्ट कहेंगे, यस कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? फॉरेस्ट को फॉरेस्ट बोलने के लिए दो कंडीशंस होती है। एक कंडीशन होती है कि जो एरिया है फॉरेस्ट का, है ना, जो एरिया है वो 1 हेक्टेयर से ऊपर होना चाहिए। द एरिया शुड बी मोर देन 1 हेक्टेयर। उसके अलावा कैनोपी डेंसिटी की बात करेंगे तो जो कैनोपी डेंसिटी है वो 10% से अबव होनी चाहिए। आप बोलेंगे एरिया वाली बात तो समझ आ गई, लेकिन एक कैनोपी डेंसिटी क्या होता है? कैनोपी डेंसिटी का मतलब होता है कि पूरे एरिया में जितने भी जंगल है उसमें से जो पेड़ों के ऊपर कैनोपी होती है, जो पेड़ों के ऊपर का हरा भाग होता है, जैसे आप सामने देख पा रहे हैं, तो पेड़ों के ऊपर कैनोपी ने कितना कवर कर रखा है। तो मान लो 10 हेक्टेयर में अगर जंगल है और कैनोपी ने कवर कर रखे 7 हेक्टेयर, बिकॉज कुछ कुछ जगह तो खाली भी रहती है, तो 10 में से 7 कवर कर रखा है, दैट मीन्स कैनोपी डेंसिटी कितना परसेंट हो जाएगी? 70% कैनोपी डेंसिटी हो जाएगी। तो समझ गए होंगे फॉरेस्ट क्या होते हैं। स्टार्ट करते हैं फॉरेस्ट से। सो इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर सबसे पहले पढ़ लेते हैं फॉरेस्ट कवर को। अभी आपको बताया कि इसके अंदर सारे ट्रीज पैचेस आ जाएंगे, जहां जहां पेड़ है वो सब आ जाएंगे, बट जहां पे विच हैव अ कैनोपी डेंसिटी ऑफ मोर देन 10% एंड एन एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर और मोर इन साइज। तो एरिया 1 हेक्टेयर से ऊपर हो, कैनोपी डेंसिटी 10% से ज्यादा होनी चाहिए। कैनोपी डेंसिटी भी आपको समझा दिया, इट इज डिफाइंड एज द proportion of an area in the field or ground, जैसे यहाँ पे है, that is covered by the crown of the tree. Crown का मतलब canopy, canopy का मतलब ऊपर पे जो पेड़ों के ऊपर पत्तियों वाला भाग होता है उसे canopy कहा जाता है। तो canopy ने कितना cover किया है वो canopy density है। और अगर canopy density 10% से ज्यादा है और area 1 हेक्टेयर से above है तो फिर आप उसे क्या बोल सकते हैं? Forest cover बोल सकते हैं। मतलब आप समझ गए कि आप जहाँ पे रहते हैं आपके घर के आसपास पेड़ तो है लेकिन ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं करते, इसीलिए वो फॉरेस्ट कवर नहीं है। अब आप सोच रहे हैं कि सर वो फॉरेस्ट कवर नहीं है तो फिर वो क्या? अगर वो फॉरेस्ट कवर नहीं है तो फिर वो क्या हो जाएगा? बताता हूं, सामने देखिए फोटो से आपको कैनोपी डेंसिटी वर्ड समझ आ गया। ये जो हरा हरा सब कुछ दिख रहा है, जितना इसने कवर कर रखा है ये कैनोपी का पार्ट हो गया, और जितने परसेंट कवर कर रखा है वो कैनोपी डेंसिटी हो गया। मैं बोल रहा था कि आपके घरों के आसपास जो पेड़ है अगर वो ये दोनों कंडीशन 10% वाली और 1 हेक्टेयर वाली फुलफिल नहीं करते तो फिर वो क्या है? वो जो है आपके घर के आसपास वो है ट्री कवर। सो बोला गया ऑल पैचेस ऑफ ट्रीज अकरिंग आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया विच आर ऑफ साइज लेस देन 1 हेक्टेयर इंक्लूडिंग द स्कैटर्ड ट्रीज। हो सकता है 1 हेक्टेयर से बड़ा एरिया हो लेकिन स्कैटर्ड पेड़ हो, यहां वहां हो, दूर दूर हो, तो 10% से ऊपर कैनोपी डेंसिटी नहीं होगी। जैसे राजस्थान, राजस्थान में जंगल तो है लेकिन जंगलों को जंगल नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि उनमें पेड़ों की दूरी बहुत है, एरिया तो 1 हेक्टेयर से ऊपर हो जाता है लेकिन कैनोपी डेंसिटी 1 हेक्टेयर से ऊपर नहीं हो पाती वहां पे, तो उसे क्या बोलेंगे? ट्री कवर। आपके मेरे घर के आसपास जो उसे क्या बोलेंगे? ट्री कवर। और जहां पे 1 हेक्टेयर और 10% से ऊपर है उसे क्या बोल देंगे? भाई साहब बिल्कुल सही बोला आपने, उसे बोल देंगे फॉरेस्ट। चलिए बेसिक्स क्लियर हो गए फॉरेस्ट के, तो अब फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 से डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 या फिर सारे की सारी जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसे बनाता है FSI। FSI फुल फॉर्म क्या है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया।
मिनिस्ट्री की बात करेंगे, तो इसमें एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं होती। इससे रिलीज कौन करवाता है? इससे करवाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना पड़ेगा। ISFR आपको बता ही दिया, दो साल में एक बार आती है, मतलब ये क्या है, बायनियल पब्लिकेशन है किसका, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का। ISFR 2021 जो आई है ना, ये 17th फॉरेस्ट रिपोर्ट है। पहली जो फॉरेस्ट रिपोर्ट थी वो कब आई थी, 1987 के अंदर, द रिपोर्ट 2021। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बार के लिए, क्योंकि मोदी जी ने इस बात पे बहुत जोर दे रखा है, बहुत ध्यान दिया हुआ है, तो पेपर भी इस पे ध्यान दे सकता है। The 2021 report for the first time assessed forest cover assessment in tiger reserve and tiger corridor. तो भैया जो tiger reserve है, जो tiger corridor है ना, वहां भी forest को check किया, count किया गया of the country and decadal change in the forest cover के 10 सालों में कितना change हो रहा है, वो भी check किया गया, और tiger corridor और tiger reserve के अंदर भी data calculate किया गया forest का। ये इस बार की forest report में पहली बार किया गया है, और आपको पता है tiger तो important है, इसीलिए इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्या घटा क्या बढ़ा उसकी बात भी करेंगे। इंपोर्टेंट स्टैट की बात करेंगे, तो इंडिया का एरिया ये तो सब लोग जानते हैं, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, या फिर सीधा कहूं तो पूरी दुनिया का 2.4% एरिया हमारे पास है। अब हमारे पास 2.4% तो है, लेकिन जितना हमारा है वो हमारे लिए तो 100% है ना। उस 100% में से फॉरेस्ट पॉलिसी कहती है कि 33% पे फॉरेस्ट होने चाहिए। कितने में चाहिए फॉरेस्ट, 33% पे, जिसमें 60% फॉरेस्ट जो है वो कहां, हिली एरिया में होने चाहिए, और 20% फॉरेस्ट जो है वो प्लेन एरिया में होने चाहिए। ओवरऑल कितने होने चाहिए, 33%। हमारे पास है कितने, अगर बात करेंगे हमारे पास फॉरेस्ट की, तो इंडिया के टोटल एरिया में 21.71% ज्योग्राफिकल एरिया के क्या हमारे पास फॉरेस्ट है। ट्री कवर की बात करेंगे, जो आपके घरों के और मेरे घरों के आसपास है, वो कितने हैं, 2.91% एरिया कवर करते हैं। मतलब जो 33% चाहिए, मैं फॉरेस्ट प्लस ट्री को मिला दूं, तो दोनों को मिला के हमारे पास जो एरिया कवर्ड है फॉरेस्ट प्लस ट्री से, वो है 24.62, जबकि हमारी पॉलिसी कहती है कि भाई 33% 33% कवर होना चाहिए। तो अभी हम रिकमेंडेशन से पीछे चल रहे हैं। डेटा बहुत याद है, इंपॉर्टेंट है, डेटा बहुत याद नहीं है, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद जरूर कर लेना। नेक्स्ट बोला गया, as compared to Indian State of Forest Report 2019, the current assessment shows an increase of, इस बार क्या बढ़ा है, 0.28% तो हमारे फॉरेस्ट और ट्री कवर बढ़ गए हैं। फॉरेस्ट कवर बढ़ा है कितना, 0.22, ट्री कवर बढ़ा है 0.76, दोनों को मिला के कितनी बढ़ोतरी हुई है, 0.28% की। आगे बात करते हैं फॉरेस्ट क्लासेस की। फॉरेस्ट क्लासेस, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि अगर कैनोपी डेंसिटी 10% से अबव है तो उसे हम फॉरेस्ट बोल देंगे, लेकिन 10% से अबव कितनी, 10 to 40, या 40 to 70, या 70 to 100। आप बोलेंगे सर तीन क्लासेस क्यों बोल दी, क्योंकि तीन फॉरेस्ट की क्लासेस होती है। अगर कैनोपी डेंसिटी 70 to 100% हो तो उस फॉरेस्ट को वेरी डेंस फॉरेस्ट कहा जाएगा। अगर कैनोपी डेंसिटी 40 to 70% हो तो उसे मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कहा जाएगा। और अगर आपके फॉरेस्ट जो है उनकी कैनोपी डेंसिटी 10 to 40% है तो काफी कम कैनोपी है, उसे ओपन फॉरेस्ट कहा जाएगा। और लेस देन 10% जो है उसे स्कर्ब कहा जाएगा, जो फॉरेस्ट में तो नहीं आएंगे, बिकॉज फॉरेस्ट होने के लिए 10% से ऊपर होना पड़ेगा। और नॉन फॉरेस्ट का मतलब जो किसी भी क्लास में नहीं आ रहा, जहां पे कोई पेड़ वेड़ नहीं है, जैसे आप जिस कमरे के अंदर बैठे और मैं जहां खड़ा हूं यहां पे पेड़ नहीं है, तो ये एरिया कौन सा हो गया, नॉन फॉरेस्ट। नॉन फॉरेस्ट एरिया हमारे पास है 76.87, स्कर्ब हमारे पास 1.42 है, ओपन फॉरेस्ट 9.34 है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो है वो ज्योग्राफिकल एरिया का 9.33% कवर करते हैं, और वेरी डेंस फॉरेस्ट हमारे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 3.04% कवर करते हैं। मतलब आपसे ले कि इंडिया में इन थ्री क्लासेस में से सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कौन से है, तो 9.34 वाले जो ओपन फॉरेस्ट है वो क्या है, हमारे पास सबसे ज्यादा है। चलिए फॉरेस्ट क्लासेस आप समझ गए, अब और इंपॉर्टेंट डेटा पे चलते हैं। टॉप थ्री स्टेट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर है ना, तीन स्टेट जहां पे फॉरेस्ट कवर ज्यादा नहीं है। अभी कुछ ज्यादा में तो मध्य प्रदेश आ जाएगा सबसे आगे। एरिया वाइज हाईएस्ट फॉरेस्ट किसके पास है, मध्य प्रदेश। फिलहाल मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहे,
पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार ज्यादा बढ़ा किसके पास है? तो टॉप थ्री स्टेट की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बढ़ा है आंध्र प्रदेश के पास, उसके बाद बढ़ा है तेलंगाना के पास, उसके बाद बढ़ा है उड़ीसा के पास, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। छोटा सा क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइएगा ये जो एरिया यहां पे बढ़ा है इसके बढ़ने का रीजन क्या है। उड़ीसा का मत बताइएगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जरूर बताइएगा कि ट्री कवर जो यहाँ, फॉरेस्ट कवर जो यहाँ पे बढ़ रहा है इसके बढ़ने का कारण क्या है। भाई साहब एक स्पेसिफिक कारण है जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। अब आप जानिए कारण क्या है, आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा। ये तीन स्टेट हो गए जहां पे फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज हुआ है। आगे चलते हैं, एरिया वाइज हाईएस्ट फॉरेस्ट किसके पास है? सबसे ज्यादा एरिया वाइज फॉरेस्ट है मध्य प्रदेश के पास, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश के बाद, और थर्ड एरिया वाइज जो टॉप रैंक पे आ जाता है वो आता है छत्तीसगढ़। अगला चलते हैं, टॉप थ्री स्टेट इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज ऑफ देयर ज्योग्राफिकल एरिया। पिछली बार तो था एरिया वाइज ज्यादा कहां पे है, अब है कि पूरे स्टेट का एरिया कितना है और परसेंटेज वाइज उनके पास कितना है। तो परसेंटेज वाइज टॉप थ्री पे आ जाते हैं, मिजोरम फर्स्ट रैंक पे, अरुणाचल प्रदेश सेकेंड रैंक पे और मेघालय आ गया थर्ड रैंक पे। हालांकि अरुणाचल प्रदेश को ध्यान से देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश के एरिया वाइज भी सेकेंड रैंक है और ज्योग्राफिकल एरिया के परसेंटेज वाइज भी अरुणाचल फर्स्ट सेकेंड रैंक पे है, लेकिन उधर एरिया वाइज में मध्य प्रदेश टॉप कर रहा है, परसेंटेज वाइज के अंदर मिजोरम टॉप कर रहा है। आगे चलते हैं, स्टेट शोइंग लॉस इन फॉरेस्ट कवर। लॉस कौन शो करेगा? जिनके पास ज्यादा होंगे। ज्यादा किनके पास है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के पास। तो देखो तीनों ही नॉर्थ ईस्टर्न है। सबसे ज्यादा लॉस हुआ है फॉरेस्ट का अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद मणिपुर में, और उसके बाद लॉस कहां पे हुआ है? इट्स इन नागालैंड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट वाइज एस्टिमेट्स ऑफ ट्री कवर। अभी तक जो बातें चल रही थी ना वो फॉरेस्ट कवर की चल रही थी, अब फॉरेस्ट कवर नहीं, अब आ गए हैं ट्री कवर के अंदर। ट्री कवर की बात करेंगे तो जो हमारा ट्री कवर है ना, ट्री कवर में मैक्सिमम ट्री कवर की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के पास सबसे ज्यादा है, राजस्थान के पास सेकेंड रैंक है और मध्य प्रदेश के पास थर्ड रैंक है। आप बोलेंगे सर एमपी तो टॉप कर रहा था। भाई एमपी ने फॉरेस्ट में टॉप किया है, ट्री कवर के अंदर टॉप कर रहा है महाराष्ट्र। सर राजस्थान ट्री कवर में क्यों टॉप कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे जंगल है, लेकिन शुरू बताया वो जंगलों में नहीं आते क्योंकि 10% कैनोपी डेंसिटी कवर नहीं कर पाते। राजस्थान ड्राई स्टेट है ना, ड्राई मतलब गुजरात वाला ड्राई नहीं, राजस्थान मिलती 8 बजे तक कोई दिक्कत नहीं हो, ड्राई मतलब कि वहां पे पानी की कमी है, राइट। तो मैक्सिमम जो ट्री कवर है वो राजस्थान के पास सेकंड रैंक और महाराष्ट्र के पास फर्स्ट रैंक। आपको बता दूं मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि आंध्रा और तेलंगाना में फॉरेस्ट कवर बढ़ने का रीजन क्या है, उसका रीजन हॉर्टिकल्चर से मिलता जुलता है, प्लस कुछ कुछ रिलेशन इससे भी है। अब तो आपको समझ आ गया उसका आंसर क्या है, नहीं आया हो तो ठीक है मैं बता दूंगा, नहीं तो आप बताइएगा। मैक्सिमम ट्री कवर एज परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, वो तो था एरिया ज्यादा किसके पास है फॉरेस्ट में, अब ज्योग्राफिकल एरिया के परसेंटेज वाइज ज्यादा किसके पास है? चंडीगढ़ के पास सबसे ज्यादा ट्री है, उसके पास दिल्ली के बाद है, और उसके पास किसके पास है? केरला के पास। ये टॉप थ्री हो गए परसेंटेज वाइज, पिछले वाले टॉप थ्री थे किसके वाइज? एरिया वाइज। आगे चलते हैं, फॉरेस्ट की बात हो गई, ट्री की बात हो गई, अब जरा मैंग्रोव की बात कर ली जाए। मैंग्रोव की बात करेंगे, मैंग्रोव वो फॉरेस्ट होते हैं जो किसी वाटर बॉडी के साथ होते हैं। मैंग्रोव जो होते हैं बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं, बहुत काम होते हैं, बायोडाइवर्सिटी वहां पे रिच होती है, जंगली जानवर वहां पे बहुत सारे होते हैं और ह्यूमन इंटरफेरेंस वहां पे कम होता है। क्यों? क्योंकि पानी के बीच है ना, सीधे धरती पे होते तो आसान काम होता, लेकिन पानी पे है इसलिए ह्यूमन इंटरफेरेंस कम होता है, तो इनके अंदर बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा होती है और यहाँ पे कैनोपी डेंसिटी भी ज्यादा होती है। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ब्यूटीफुल सा व्यू आपके मैंग्रोव्स का। मैंग्रोव की बात करेंगे तो मैंग्रोव में भाई साहब नाम अगर आपने सुना है तो सुंदरवन का नाम डेफिनेटली सुना होगा। सुंदरवन जो कहां पे? नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में है, इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल पैच ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, स्प्रेड ओवर अप्रोक्सीमेटली 10,000 स्क्वायर किलोमीटर इन बांग्लादेश एंड इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव कौन सा है? सुंदरवन ही तो है। सुंदरवन इज द फर्स्ट मैंग्रोव इन द वर्ल्ड विच वॉज ब्रोट अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट एज अर्ली एज इन 1892। 1892 से साइंटिफिक मैनेजमेंट चल रहा है, तो उस हिसाब से सुंदरवन इंडिया का या फिर वर्ल्ड का, नॉट इंडिया का, वर्ल्ड का फर्स्ट बन जाता है मैंग्रोव जिसका साइंटिफिक मैनेजमेंट किया गया।
चलिए सुंदर वन को भी समझ गए हैं, मैंग्रोव होता क्या है वो भी समझ गए, तो एरिया की बात कर लेते हैं। मैंग्रोव हैव शोन एन इंक्रीज ऑफ 17 स्क्वायर किलोमीटर, इंडियाज टोटल मैंग्रोव कवर इज नाउ 4,992 स्क्वायर किलोमीटर, द मैंग्रोव कवर इन द कंट्री हैज इंक्रीज बाय 0.34% एज कंपेयर टू 2019 असेसमेंट, जो पिछली बार हुआ था उसके कंपैरिजन में इस बार 0.34% मैंग्रोव बढ़ा है। टॉप थ्री स्टेट की बात करेंगे जहां पे मैंग्रोव कवर बढ़ा है, तो सबसे ज्यादा बढ़ा है उड़ीसा में, फिर महाराष्ट्र में, और उसके बाद कहां बढ़ा है कर्नाटका में। आगे चलते हैं फॉरेस्ट कवर के अंदर, फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंदर लास्ट पॉइंट की बात करते हैं बेम्बू की, क्योंकि बेम्बू भी इस टाइम पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बेम्बू मिशन चला के ना 2018 के बाद बेम्बू को इंपॉर्टेंट कर दिया गया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेम्बू फॉरेस्ट की बात करते हो, हमारे पास पूरी कंट्री में जो बेम्बू बीरिंग एरिया है वो कितना है, 149,443 स्क्वायर किलोमीटर डिक्रीज हुआ है जी हमारे पास। देर इज अ डिक्रीज ऑफ 10,594 स्क्वायर किलोमीटर इन द बेम्बू बीरिंग एरिया एज कंपेयर टू द प्रीवियस रिपोर्ट, तो पिछली बार से थोड़ा सा कम हो गया है। स्टेट वाइज अगर मैक्सिमम बैम्बू बीरिंग एरिया की बात करेंगे तो मिजोरम के पास सबसे ज्यादा, और उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट अरुणाचल प्रदेश के पास बैम्बू है। स्टेट वाइज मिनिमम बोलेंगे तो सबसे कम बैम्बू मध्य प्रदेश के पास है, और उसके बाद कम किसके पास है, महाराष्ट्र के पास। ये था हमारा स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021। अब इस रिपोर्ट के बेस पे 5 क्वेश्चन आपके सामने क्विज के फॉर्म में आने वाले हैं, प्लस इसी क्विज के बेस पे या फिर इसी टॉपिक के बेस पे ISFR 2021 के बेस पे कल रात को 9 बजे एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के टेलीग्राम पे क्वेश्चंस लाइव होंगे। तो मेक श्योर कि ये वाले 5 क्वेश्चन इसी वीडियो में और वो वाले 10 क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल पे अटेम्प्ट कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगा आपके नेक्स्ट वीडियो में। कोई आपको सजेशन देना हो कि इस वीडियो या इस टॉपिक को कवर करो तो कमेंट सेक्शन मिलिएगा या फिर लिखिएगा। सो एंड अगर लगता हो कि मेरा काम आपको समझ आता है और मैं अच्छे से समझा पाता हूं, तो एक बटन नीचे है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे आपके नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम। जय हिंद, जय भारत।